कैनेडा विच जिन्ने भी समय रिफ्यूजी ने उन्होंने पक्के क्यों नहीं कर दिता जाता। इस संबंधी एनडीपी एमपी लीजा मैरी बैरन ने सवाल पूछा इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर नूं, जिस विच पहला उन्होंने यूक्रेन तो आने वालों के वास्ते सवाल पूछा ते नाल ही कहा कि जो यूक्रेनियन ते होर रिफ्यूजी ने उन्होंने परमानेंट स्टेटस ही क्यों नहीं दे दिता जाता ता कि जो उन्होंने लोड़ है उस मुताबक मदद मिल सके। तो इस जवाब विच इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने कहा कि काफ़ी अहम सवाल यह पूछा गया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि एमरजेंसी हालात के दौरान उन्होंने वालों नवा मॉडल तैयार किया गया आरजी तौर दे उत्ते मदद देण दे लई, जिस दे विच उन्हां दा कहना है कि काफ़ी गिणती विच लोग अजिहे ने कि जदों सुरक्षित महसूस होवे उन्हां नूं तां उह वापस अपने घरां नूं मुड़ना चाहुंदे ने। इत्थे जिक्र योग है कि जो यूक्रेनियन कैनेडा विच आ रहे ने उन्हां दे बारे इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर पहला भी बयान दे चुके ने कि उन्हां दे विचों ज़्यादातर अजिहे ने कि जदों उन्हां दे देश दे विच माहौल सुरक्षित हो जाता है वह वापस अपने घरां नूं परतना चाहुंदे ने। तो इस संबंधी इमीग्रेशन मंत्री ने कहा कि जिहड़ियां भी सहूलतां दी उन्हां नूं लोड़ है वह दित्तियां जा रहियां ने, जिस दे वास्ते उन्हां नूं कमाई दे साधन भी दित्ते जा रहे ने, आरजी तौर दे उत्ते अकोमोडेशनस भी दित्तियां जा रहियां ने, ते इस दे नाल ही सैटलमेंट सर्विसिज़ ने जिन्हां नूं कैनेडा सरकार दे वल्लों फंड दित्ता जांदा है कि जो मदद की जाती है कैनेडा विच नवे आउण वालियां दी, उस राही भी उन्हां दी मदद की जा रही है जो कैनेडा विच कुछ इस तरह आ रहे ने, जो कि उन्हां दे लई काफ़ी सुरक्षित प्रोग्राम है जिस दे नाल कई सहूलतां उह लै सकदे ने। तो इस नाल ही इमीग्रेशन मंत्री ने कहा कि जो भी वह कर सकते हैं लगातार उस संबंधी कदम चुकने वह जारी रखेंगे। Mr. Speaker, Ukrainian refugees who have settled in my riding of Nanaimo Ladysmith and across Canada are struggling with resettlement costs. In our communities, people like Yvette have been working tirelessly and spending money out of their own pockets to help Ukrainian families seeking safety. Ukrainians arriving in Canada who've lost everything are unable to access key supports. Why won't this government do the right thing and grant Ukrainian and other refugees permanent status so they have the supports needed? Minister of Immigration. Mr. Speaker, the Honourable Member asks a very important question. We developed in an emergency situation a brand new model of temporary protection because we heard of the vast numbers of people who wanted to come but want to go back home when it's safe to do so. It's really important, though, that we add additional supports that are atypical for people who come as visitors to Canada because these are people who are in need of safe haven. We have established income supports, supports for temporary accommodations. We have fully funded settlement services to ensure that people who are coming as part of this safe program are able to benefit from those services. We're going to continue to do what we can, not just to get people here, but to make sure they're supported after they land.